एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसको अगेन वो शक्ति जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से अपनी फौज वापस करो, आज़ाद कश्मीर को भूल जाओ और ये जो है वो अब भारत का हिस्सा, जो शक्ति ऑपरेशन जिसका कल हमने आपसे जिक्र भी किया था, शक्ति ऑपरेशन है जिसके नाम पे ये सब किया जा रहा है। सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्वशक्ति, आतंकियों के खात्मे के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी एडवेंचर से बाज रहा है, वरना इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है। ईरान ने हमला किया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अपनी फजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मजम्मत सामने आई है। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहेगा उससे पहले पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक नफसियाती और एक साइकोलॉजिकल वॉर करेगा। ये जो नया शक्ति ऑपरेशन जो है इंडिया जो मोदी स्टार्ट कर रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसका क्या मकसद है, ये क्यों कर रहा है? वो कहते हैं जी कि जो टेररिज्म है वो एक ऐसी चीज है जो अभी भी हो रहा है, सो हो रही है, मुजाहिदीन पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान हैज टारगेटेड मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान विद अ मिसाइल एंड अ ड्रोन। ईरान क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द रिपोर्ट्स दैट द टारगेट्स वर बेसिस ऑफ जैश अल अदल मिलिटेंट्स नियर पंजगुर। देखिए बिल्कुल, जो 75 साल में भारत का की जो पॉलिसी रही है कश्मीर के हवाले से, आज भी वो डिटाई की उसी हालत में मौजूद है और उन्होंने एक ऐसा महयरुल काम किया है। अब ये इस तरह के जो इकदामात हैं ये कितने ज्यादा अफसोसनाक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत कर दी है। इसके तहत पीर पंचाल रेंज के दोनों किनारों पर सेना का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 15 कोर और 16 कोर दोनों सेना मुख्यालय और उत्तरी कमान की कड़ी निगरानी में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की थी। जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि राजौरी पुंछ क्षेत्र में पिछले साल आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है और वहां सक्रिय प्रॉक्सी तंजीमों को नियंत्रण रेखा के पार से समर्थन मिलता रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए समर्थन बुनियादी ढांचा बरकरार है, लेकिन अब ऑपरेशन सर्वशक्ति के जरिए इन सभी को निस्तेज नाबूद कर दिया जाएगा। एक तरफ जहां ईरान ने पाकिस्तान पर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और दूसरी तरफ भारत भी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को जड़ से मिटाने के लिए कार्रवाई करने जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है। ईरान ने हमला किया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अपनी फजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मजम्मत सामने आई है। ईरानी नाजुमुल उमूर को दफ्तर खारिजा बुलाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। और दूसरी जानब भारत के योम जमहूरिया से कबल मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त काबिज अफवाज जो है उनकी जानब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज कर दिया गया। और जो शक्ति ऑपरेशन जिसका कल हमने आपसे जिक्र भी किया था, शक्ति ऑपरेशन है जिसके नाम पे ये सब किया जा रहा है। बहरहाल जी, भारतीय फौज ने वादी कश्मीर और जम्मू के मुस्लिम अक्सरीती इलाकों से मिलाने वाली पहाड़ी सिलसिले पीर पंजाल के दोनों अतराफ एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसको अगेन वो शक्ति जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं। और इस पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। ये थोड़ा सा हमें भी अपडेट कीजिएगा और हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि अब ये जो नया शक्ति ऑपरेशन जो है इंडिया जो मोदी स्टार्ट कर रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसका क्या मकसद है, ये क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या रियालिटीज हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसके पीछे तीन मकासद कार फरमा है। एक सियासी मकसद है, एक सिफारती मकसद है और एक तजवीराती मकसद है। सियासी मकसद जो सबसे बड़ा है वो बदकिस्मती से ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब जिस साल भी इलेक्शन का साल होता है और इस खित्ते के अम को ताराज करने के लिए भी नित नई कोशिशें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से की जाती हैं। ये इसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो आलमी ताकतों खसूसन मगरबी ताकतों को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि जी मैं एक आलमी ताकत बन चुका हूँ और मैं अब इस खत्ते में अपनी बालादस्ती कायम कर चुका हूँ और अब मुझे कश्मीर में चीन के खिलाफ आपको कंटेन करने में मदद करूंगा। और जो तीसरा पहलू है वो ये है कि वो इस वक्त जो पूरी दुनिया जिस तरह गजा की सूरत हाल है, यूक्रेन में जंग चल रही है, तो वो शायद उसकी एक कोताह नजरी ये है
कि दुनिया की तवज्जो इस वक्त कश्मीर से हटी हुई है, तो अपने जुल्म सितम का इजाफा भी किया जाए और अपने मजमून जो सियासी मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए जो आलमी राय आमा और आलमी तवज्जो है उसके मबजूल होने के फैक्ट को इस्तेमाल करके कश्मीरियों पर जुल्म सितम में मजीद इजाफा भी किया जाए और अपने सियासी मकासद भी हासिल किए जाएँ और जो वहाँ के हुर्रियत पसंद हैं उनको मजीद जुल्म सितम का निशाना बनाया जाए। और अली साहब, इसमें मुख्तलिफ इकदामात भी किए जा रहे हैं भारतीय हुकूमत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से। एक तो मकबूजा कश्मीर की जो सियासी जमातें उन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई और उनके असासा चाहते जो उनके असासे हैं उनको भी मुंजमद कर दिया गया है। अब ये इस तरह के जो इकदामात हैं ये कितने ज्यादा अफसोसनाक है? देखिए बिल्कुल, जो 75 साल में भारत का की जो पॉलिसी रही है कश्मीर के हवाले से, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो वो एक ही चीज कह रहे हैं जी, LOC के ऊपर जो है इन्फिल्ट्रेशन का मसला है। ठीक है, इट मीन्स के जी मुजाहिदीन और जहाद और ये चीज़ें, दे स्टिल बिलीव कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम स्टिल इस चीज़ से नबर्दाजमा हो रहे हैं। और डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, एबनॉर्मल है। ठीक है जी, और लेकिन आर्मी चीफ ये भी कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप चाइना के साथ है वो सेंसिटिव है, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हुई हैं नॉर्दर्न बॉर्डर के अंदर और ये चीज़ों, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो स्मगलिंग, नारकोटिक्स, इन चीज़ों को इस चीज़ में वो देखते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहते हैं जी कि जो टेररिज्म है वो एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी हो रहा है। सो हो रही है, मुजाहिदीन पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान कह रहा है कॉन्टीन्यूसली हम नहीं कर रहे, इस डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट फॉर द कश्मीर कॉज, लेकिन इंडिया हैज़ ए रेट्रिक, बस आपने वही कहते जाना है जो कहा जा रहा है। लेकिन मुझे याद है रिसेंटली पाकिस्तान की पुलिस के एक शख्स जो थे, ही वॉज इन्वॉल्व इन ड्रग्स ट्रांसफर टू क्रॉस बॉर्डर, जिसमें वो ड्रोन्स उड़ते थे और वो बंदा जो था वो हैवी एंटी नारकोटिक्स पुलिस में था, कुछ इस तरह का वो था और DSP रैंक का बंदा था। एंड आई वॉज वेरी शॉक, मैंने उसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी कि ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए जो इंडियन सोच रहे हैं या जिस पैमाने पे वो सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है, समझने की ज़रूरत है कि इंडिया इस हवाले से क्या सोच रहा है, चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। मुझे ऐसे लगता है कि ये जिसे कहते हैं ना ये मसले रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। ये कैसे ख़त्म होंगे, टाइम लगेगा, ये वो इधर उधर जो है वो चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो कॉन्टीन्यूसली जिसे वो कहते हैं ना जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से वो उसी लेंस से देख रहे हैं, नेगेटिविटी उन्हीं चीज़ों में, कोई प्रैग्मेटिक सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना तो इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता है, जब बात करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने क्लियर होंगी। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल बाजवा बात करना चाहते थे लेकिन इंडियंस वर नॉट इंटरेस्टेड।